के अंदर माउंटेन देख रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, व्हाइट कलर में वो दूर, सामने दूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं टिल्ला टिल्ला जोगियां, हम्म, जहाँ पे गुरु नाथ और बारानाथ के इनके टेम्पल्स वगैरह हिंदुओं के बने हुए हैं। अच्छा, अभी भी ये टेम्पल्स वगैरह हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं? जाते हैं, ये उस सोहेल गेट से 22 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। मगर आपके पास 4x4 गाड़ी हो और खाने पीने का सामान वाफर मकदार में मौजूद हो, पानी वगैरह भी हो, क्यों तो वहाँ पे आपको ये चीजें नहीं मुयसर नहीं होंगी? तो पहले पानी था, पानी वगैरह थे, टेम्पल्स वगैरह हैं। तो ये जो नीचे रास्ते हैं, ये जो जी जी ये सारे जो है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे से रेवर से। अच्छा, यहाँ में से ये रास्ते यहाँ पे ठीक है, फिर तो यहाँ से दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, चलिए। अभी आप जिस पार्ट्स या जिस लोकेशन पे हैं, इसको फांसी खाना या हाई पॉइंट कहा जाता है। इसके टॉप के ऊपर जी जी तीन किस्म के बांस थे, जिसके साथ फंदा हर वक्त नीचे लटका रहता था। अच्छा, इसलिए यहाँ पे तख्ता होता था जिसकी 1 से लेकर 10 तक सीढ़ी होती थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट के ऊपर जाके जहाँ पे इसका सिलसिला खत्म हो जाता था, पक्के तो पर मुजरम को खड़ा करके और गले में उसको फंदा डाल के नीचे से तख्ता खेद दिया जाता था और मुजरम बीच में लटक जाते थे। जब वो मर जाते थे तो ऊपर से रस्सी ढीले करके फिर इस कमरे में से लाश को निकाल के जो उनके वारिस होते थे उनके हवाले कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसके ताप के ऊपर चलते हैं। जैसा कि आपको हैदर भाई ने फांसी घाट के बारे में बताया और हम ऊपर चलते जाते हैं साथ में। ये जो मैंने आपको किंगरे बताए थे ना जी जी, उन किंगरों के अंदर ये एक मखसूस किंगरे हैं यहाँ पे, क्यों कि ये एक इनका मेन पॉइंट है फांसी खाना। यहाँ पे एरोज के लिए यहाँ पे बैठ के एरोज इस्तेमाल किए जाते थे तीर अंदाजी के। ठीक है, ये बने हुए, ये बहुत कम यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको इसका बाहर का व्यू कराता हूँ, मैं आपको बाहर का व्यू कराता हूँ इसका। ये देखे जबरदस्त, ये देखिएगा इसका बाहर का व्यू, उसको आप देखेंगे कि देखें ये कैसा, वो जो आपको मैंने चेक पोस्ट का है जी जी बिल्कुल, 4 किलोमीटर के अंदर 68 तो यहाँ से चढ़ना भी काफी महाल है, मुश्किल है, कोई वैसे जो है ना नहीं चढ़ सकता। मैंने आपको आगे कहा है जी जी, आपको मैंने आगे कहा कि इसके लिए की कोई बुनियाद नहीं है, वो देखें सामने सबूत के साथ, वो देखें बिल्कुल दीवार जमीन के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल वो देखिएगा जी, इसकी कोई फाउंडेशन या बुनियाद नहीं है, मिट्टी है, पहाड़ जी पहाड़ है, ये पत्थरों को यानी कि सारी जो है ना बनी हुई है इसी वजह से। यहाँ पे ये बाग लगे हुए हैं, यहाँ पे पहले दरिया होती थी, नाला गान होता था, यहाँ पे किश्ती आके फिर दुश्मन इस रास्ते से आके ऊपर इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है जो नीचे वाला रास्ता है, और ये फिर ऊपर से गर्म ऑयल या गर्म तेल और तीरअंदाज या तोपखानों की वजह से उनके यहाँ पे रोका डिफेंड किया जा सकता था। ठीक है, सारा जंगल। तो ये जो आबादी है आसपास, ये किन लोगों की है? ये जो सारी आबादी आप देख रहे हैं, इससे बहुत सारा हट के काफी लोधी खानदान है, कौन से खानदान यहाँ पे ज्यादा आबाद है? ज्यादातर यहाँ पे आपको राजे भी मिलेंगे, मुगल भी मिलेंगे, उसके बाद ये सामने जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर रंग बिरंगी जो से काफी लोग आबाद हैं, शाह भी हैं, सैयद भी हैं, अब यानी कि हर तरह के लोग आ चुके हैं, मिलेंगे। जिस तरह आप रतास में भी आए तो रतास में भी आपको काफी लोग जो से कुमे आपको यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस वक्त टॉप पे पहुंच गए हैं। हैदर भाई और मजीद बताइए, टॉप पे आप हमें ले आए इस वक्त जो है ना, अभी आप इसके सबसे ज्यादा टॉप की लोकेशन के ऊपर आ चुके हैं और अभी आ गए, और वो जो सामने आप अभी देख रहे हैं जी जी, वो व्हाइट कलर के अंदर 1, 2, 3 जो दरे नजर आ रहे हैं आपको जी जी, इसको शेरशाह सूरी मार्क्स या बादशाही मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको मैं लेके जाऊंगा, हम वहाँ पे चलेंगे फिर उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे वो सारे, और फिर जो है वो बादशाही गेट भी है और वो सामने लंगर खानी गेट है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि नीचे से तो ये नजर नहीं आएगा, ऊपर यहाँ से सारे गेट जो है ना नजर आ रहे हैं, और वो जो आगे वाला गेट है वो कौन सा है? इसको लंगर खानी गेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर लंगर वगैरह पकाया जाता था, ये लंगर खानी गेट के नाम से मशहूर है। फिर आगे आप जाएंगे वो सामने शीशी गेट है, शीशी गेट इसलिए कहा जाता है कि इसके वो अंदर थोड़ा बहुत जो है मीनाकारी या शीशे का काम हुआ हुआ है। ठीक, आप जाएंगे वो बादशाही गेट है, उसके नीचे जाएंगे तो बादशाही गेट के साथ काबली गेट है, काबली गेट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसकी डायरेक्शन या इसका रुख जो है अफगानिस्तान की तरफ काबली साइड के ऊपर है, और वो जो पहाड़ों के दामन में आप देख रहे हैं जी जी, वो लास्ट गेट है, खासानी गेट इसको कहा जाता है, है। जहाँ से आपने अंदर एंटर की है जी जी, और फिर ये घूम रहे ऐसे
या घूमते 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 वो लास्ट जो सफेदों की झुलमंड में आप देख रहे हैं बॉडी नजर आ रही है जी जी, ये फिर आके इस सोहेल गेट के साथ मिलती है और सोहेल गेट जो है ना आउटसाइड पे आउटसाइड के ऊपर दूसरी तरफ हो जाते हैं जो टेम्पल की तरफ देखने वाले ठीक है। ये तमाम अब ऐसा ऐसा फिर आप उतरते हैं यहाँ से अभी उतर के सीधा चलेंगे ये सामने पैलेस के ऊपर ये ठीक है ये बहुत बाद में या इसकी वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके करते हैं चले जी यहाँ से चलते हैं इसको क्या कहते हैं राजा मान सिंह की हवेली राजा मान सिंह की ठीक है जी चले तो वहाँ पे चलते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। अभी सर जी आप जिस लोकेशन या जिस पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं इसको राजा मान सिंह की हवेली कहा जाता है। राजा मान सिंह की हवेली है जी ये देखिए राजा मान सिंह की हवेली शेरशाहसूरी के बहुत बाद में बनी। राजा मान सिंह अकबर पाशाह का काबिल तरीन जर्नैलों में से एक जर्नैल था। अच्छा अकबर ने फिर मान सिंह की बहन के साथ शादी की जो बाद में जोधा अकबर के नाम से मशहूर हो गई थी। अच्छा ये वो स्टोरी है जोधा अकबर वाली है। अच्छा रूम बना हुआ है मगर यहाँ पे वो थोड़े अरसे के लिए आया फिर इसका तबादला इंडिया में बंगाल में हो गया ठीक है ये वहाँ पे चला गया। अभी आप इसकी बाउंड्री देख रहे हैं ये आपको इसके सारे जोन से ये बाउंड्री इसकी जो नजर आ रही है जी जी। नजर आ रही है जी जी। कि मैं भी पुराने दौर के अंदर यहाँ पे इसके रूम या कमरे मौजूद होंगे जो ऐसे ऐसा मदम हो गए हैं खत्म हो चुके हैं एक खंडरात या आसार की शक्ल में मौजूद है ठीक है। बाकी वो बरांडे वगैरह को आप देखेंगे तो ये बरांडे कहाँ तक मौजूद थे अल्लाह बेहतर जानता है मगर ये हो सकता है ये इसके शेड वगैरह भी किसी दौर के अंदर मुकम्मल नहीं लगता है। वो जो सामने आप देख रहे हैं ना छोटे जैसे बने यहाँ पे कोई कमरा वगैरह हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है और ये ऊपर आप देखेंगे स्टोन के अंदर ये आपको कबूतर ये चिड़ियों की तस्वीरें जो बनी हुई नजर आ रही है जी जी बिल्कुल ये ऊपर देखेंगे तो ये भी जो है ये सब जो है उस दौर की अक्कासी कर दी है दौर के अंदर है और ये सब उसकी ठीक है अक्कासी कर रहे हैं। और ये भी जो आप सामने देख रहे हैं ये लाइटिंग्स या कैंडल्स के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था और इसका जो प्लस्टर वगैरह भी आप सामने व्हाइट कलर में देख रहे हैं ये सब बिल्कुल ओरिजिनल असल हालत में और ये बाद में इसको ये जो आप देख रहे हैं इसको रिपेयर या रेनोवेट किया गया है। इसके लिए सुना है बजट भी गवर्नमेंट ने या बाहर से जो कुछ मुल्कों ने किया वगैरह इसकी आती रहती है जो उसके लुक आफ्टर कर रहे हैं महकमे सारे कदीमा वगैरह वो उसके ऊपर खर्च करते रहती हैं और इसको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। ऊपर चले अब इसके साथ ही इसके ऊपर जाके आपको टॉप के ऊपर इसका व्यू भी कराते हैं जी। ये हम राजा मान सिंह की हवेली में आ चुके हैं इसका कुछ अंदरूनी मनाजर में आपको दिखाता चलो जी। हैदर भाई यहाँ पे उस दौर के अंदर यहाँ पे जो उनकी प्रेस वगैरह होती थी यहाँ पे बैठा करती थी वेंटिलेशन के लिए हवा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको काफ़ी जगह से ये काफ़ी इसकी वेंटिलेशन हवा आ रही है मगर बदकिस्मती ये कि इसकी देखभाल नहीं है ये भी आप देखिए जो कोई आता है किसी ने पेंट से किसी ने कहा से किस तरह का नाम लिख चुका है। तो सर्दियों में ये लोग क्या करते थे यहाँ पे अगर ये इतनी खुलेदार हवा आ रहे सर्दी उस दौर के अंदर जाहिर बात है आग का बंदोबस्त तो पहले था और नीचे आग वगैरह भी इनके जो से ये कोई सेटअप होंगे इनके जब रहने के लिए सर्दियों के अंदर और हो सकता है मे भी कोई इस तरह के इन्होंने कोई पर्दे वगैरह का भी इंतजाम किया और जो आगे लगा दिया जाए ताकि हवा अंदर ना आ सके ठीक है कोई ना कोई इन्होंने इंतजाम ऐसे किए होंगे। ये इसका यहाँ से भी आप किला और ताज का एक बैरूनी मंजर देख लीजिएगा ये देखिएगा इसका टॉप एरिया है फांसी खाना भी आपको नजर आ रहा है सारा हाँ ये सारा और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा वो पानी का रिवर नजर आ रहा है वो टूटी हुई जगह के अंदर देखेंगे जी जी बिल्कुल वो थोड़ा सा पानी का नजर रिवर आ रहा है। ये मैंने आपको बताया कि ये टिल्ला चुगिंग की रेंज के अंदर से ये दरिया या पानी आया करता था जो उसके साथ से गुजरता हुआ बिल्कुल तो फिर सीधा दरियाए झेलम में जाके गिरता था। और ये जो सामने जो आप देख रहे हैं ये बाग वगैरह बन गए ये पहले बाग वगैरह नहीं थे बिल्कुल बहुत जहाँ तक आपकी निगाह काम करती थी ये सारा पानी होता था और ये दरिया यहाँ से गुजरा करता था जिसकी हाइट तकरीबन 5 से 6 फुट 7 फुट की रेंज के अंदर पानी यहाँ से काफी ज्यादा पानी था और इसको ज्यादातर नुकसान जो था पानी ने भी काफी इसकी बुनियादों को बचाया है क्योंकि उस वक्त दरिया पास हुआ करते थे और सारी चीजें भी थी बावलीज वगैरह भी थी ये शेरशाहसूरी ने बनाई थी सराय वगैरह भी बनाई थी। बावलीज का ये तो मकसद था कि अगर तब ये जंग होती थी एक एक दो दो महीने तक जब लड़ाई जारी रहती थी तो बावलीज वगैरह खूह में से पानी को इस्तेमाल किया जा सकता था ठीक है। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये रानी महल है जैसा कि हैदर भाई ने बताया और ये नीचे इसका रास्ता था और ये नीचे इसका दूसरा कमरा है ग्राउंड फ्लोर का ठीक है और ये थोड़ा सा टूट फूट का शिकार हो चुका हुआ है काफ़ी हद तक ठीक है जी। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। हैदर भाई नेक्स्ट किस तरफ हम चलेंगे? अभी सर हम जाएंगे बादशाही मस्जिद की बादशाही मस्जिद की तरफ हम चलेंगे।
अभी आप सर जिस लोकेशन या जिस पॉइंट्स के ऊपर आ चुके हैं, इसको शेरचसूरी मास्क या बादशाही मस्जिद कहा जाता है। इसके टॉप के ऊपर आप देखेंगे आपको स्टोन पे अल्लाह के नाम लिखे हुए, और ये गोलदायरे में आप देखेंगे पूरा कलमा तैयब लिखा हुआ है। इसका ओरिजिनल 1541 का ये ओरिजिनल इसका फेस देख रहे हैं, ये पुराना बिल्कुल अपनी असल हालत में है। और ये आप बालकनी वगैरह में इसकी जो छोटी छोटी स्पेट बने हुए, ये सब ओरिजिनल हालत में है जी, बिल्कुल ऐसे ही। आप इसको देखेंगे आके व्यू करेंगे तो ये अंदर से उन्होंने इसको रेनोवेट या रिपेयर किया हुआ है, और ये साथ में एक छोटा हुजरा भी बना हुआ है जी, वो सामने कहते हैं जो मौजन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके अगर आप अंदर जाना चाहें तो आप अंदर जा सकते हैं, उसके लिए जूते उतारने पड़ेंगे। शूज उतारने पड़ेंगे सर। नहीं ठीक है, हम यहाँ से एक ही चीज़ हम देख लेते हैं इसको यहाँ से। चलो जी देखिए, ये रूम है, इसकी अंदरूनी सिचुएशन है, ये देखिएगा। ये आप देखिएगा यहाँ से, और ये सीढ़ियाँ ऊपर मस्जिद की दूसरी साइड पे हम चलते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह, ये इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। इसके ऊपर वो लोकेशन है मस्जिद की, दूसरी तरफ यहाँ से देखेंगे तो ये दरिया है जो कि सीधा जेलम में गिरता है। ये रहा सामने, अबे वो उतना बोल रहे हैं, अपनी बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये शाही गेट है, और इसकी खूबसूरती देखिएगा, ये छोटे छोटे जो सुराख थे ये तब उन्होंने बनाए थे एरोस के लिए, डिफरेंट एरो यहाँ से बरसाए जाते थे मुख्तलिफ फौजों पर मुल्क। ठीक है, और ये आप नीचे देखें, ये सामने जो है ये काबली गेट है, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता शाही इमाम की तरफ रवाना होंगे। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि ये जो पिलर है यहाँ पे लगे हुए हैं, जाहिर बात है किसी ना किसी तरीके से जो है ना रोकना तो था उन्होंने इनको। और ये भी हम शाही हमाम की साइड पे, ये नीचे जी हम शाही हमाम की तरफ जा रहे हैं। जरिया भाई जरा देखिए आप भी, अच्छा ये शाही इमाम है, इसको रास्ता भी तो जाता होगा ना कहीं से। अच्छा अच्छा जी जी, मैं कैप्चर कर लिया इसको, काफ़ी खूबसूरत व्यू है इसका। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पानी की वजह से ये जो नीचे जगह है कौन सी है, ये इसके अंदर ये सारा पानी वगैरह आता था, ये सारा ये नीचे खुले हुए हैं। नहीं ये खुले ओपन नहीं है,
अच्छा अच्छा, जाके देख सकते हैं, थोड़े सारे होंगे ओपन, मगर ओपन नहीं है इतने। हम नीचे देखते हैं जी। जी ओपन है ये। हाँ ओपन है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिएगा जनाब, लेकिन ये एक और भी नीचे था जो कि बंद हो चुका है, वो नाला है इसका। ये देखिए आपके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये हाँ वो नीचे वो बंद हो चुका है जी, वो वाला। हाँ इसके अंदर ये सारे जो है ना पूरा क्रिकेट ये चला गया जी। इसकी खुदाई करें या इसको ओपन करें तो मेरे भी हो सकता है और नीचे से मंजर दरिया हो। ठीक है, यानी कि ये हमाम है आप कह रहे हैं। हमाम यहाँ पे उस दौर के अंदर जहाँ पे आप खड़े हुए ना। जी जी, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। पानी ऊपर होता था। ठीक है, यहाँ पे बैठ के गुस्से वगैरह किया ये सारा, और पानी यहाँ से नीचे चला जाता होता था। ठीक है जी, ये देखिएगा पानी यहाँ से नीचे चला जाता था, और ये हमाम थे, काफ़ी ठंडे भी हैं ये। ठीक है, और ये देखिए घिरे भी हुए हैं काफ़ी, जो ना खस्ता हाल है। ये देखिएगा, ऊपर चलते हैं हम। ये देखिए ये हमाम का एरिया था इनका, इधर से यहाँ पे लोग बैठते थे। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये शेजा सूरी टाइम्स के अंदर नहीं बना। अच्छा, ये मुगल टाइम्स के अंदर बना है। अच्छा, मुगल टाइम के अंदर ये बना। ये देखें, ये ईंटें हैं मुगल टाइम्स के अंदर। जी जी बिल्कुल, ये आपके शेजा सूरी का जो पीरियड है वो उसमें स्टोन पत्थरों का था। ये आप देखिए इसके अंदर, ये सब मुगल टाइम्स के अंदर, ये सब आपको। हाँ ठीक है, बाद में इसकी एक्सटेंशन भी हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिएगा, अब इस वक्त हम शेर शाह सूरी मस्जिद से निकल के शीशी लंगर खानी गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये उसकी कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है, और ये आगे आप देख रहे हैं हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं जंगल में से होके, ताकि आपको सारा किलर ताज फोर्ट दिखा दें। आपको पता हो, अगर आप नहीं आ सकते, ताकि आपको कोई मसला ना हो किसी भी हवाले से, जो ना। ये लंगर खानी गेट, लंगर खानी यहाँ पे लंगर तकसीम होता था, लंगर पकता भी था। हाँ। ठीक है जी, ये आप देखिएगा, ये जो ऊपर हम जा रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं हम? ये आप गेट्स के ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ये नाज़रीन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं ऊपर, ये कलमा लिखा हुआ है ना। हाँ ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत जनाब। ये इनकी अकासी देखिएगा कि उन्होंने किस तरह से जो है इनको किया हुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। और वो जो आप देख रहे हैं ये गेट। हाँ। ऊपर ये मार्बल में। जी जी वो हुआ, ये इसके ऊपर हेडिंग लिखी, ऊपर आए ना, ऊपर आ जाए आप भी, हेडिंग लिखी हुई। हाँ। और ये जो मैं आपको इसके अंदर ना, ये काम हुआ होता है, ये देखिए। जी जी बिल्कुल, और वो तख्ती लिखी हुई है। जी बिल्कुल, वो सामने लिखी हुई है, जहिजत गुजस्ता तबारिक साल ना शायद वो चेयर वाश तामल जरा, वो सामने जो देख रहे हैं ना व्हाइट कलर के अंदर जी बने हुए। ये लंगर खानी इनका लंगर खाना था, यहाँ पे लंगर वगैरह भी पकाया जाता था। ठीक है, ये जो सामने नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है, जबरदस्त। इस पत्थर से हमें इसकी तारीख पता लगती है कि इस किले का बुनियाद 1541-1947 में रखा गया। ये देखिए काफी वसी एरिया है, इसको देखें, इसको कैप्चर करेंगे, ये तलवार के साथ। हाँ ये भी साथ देखिएगा आप, जबरदस्त। आप यहाँ पे बैठने के लिए भी आ जाना तो बड़ा मज़ा आपको आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा, एक नेचुरल व्यू जो है ना आपको मिलेगा। ये जो नीचे गेट था, ये कि कौन सा गेट था, ये लंगर खाने वाला गेट था। जी जी, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। और ये देखिएगा लोकेशन बहुत प्यारी है, वो जो आपको एक टॉम्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। जी जी बिल्कुल, वो सामने। हाँ ये टॉम्स जो हैं, इसको चोवा बाबा गुरु नानक कहते हैं, ये हिंदू और सिखों का टॉम्स वगैरह बना हुआ है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। वो यहाँ पे आके अपने नाते हैं और कहते हैं कि हमारे गुनाह जो हैं वो धुल जाते हैं। ठीक है, अपना की जाए, ये टॉम्स बने यहाँ पे। वो नहाते थे, क्या करते थे ये लंगर खाने के?
ये लोकेशन आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। वैसे इंसान का दिल खुश हो जाता है जब आप नेचुरल चीज़ें देखते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी आपसे कहूँगा, पाकिस्तानियों को, पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड को, जहाँ से भी, चाहे वो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, जिस जगह से भी हैं, जो सुन सकते हैं मेरी आवाज़ और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो इन एरियाज़ में आए और इसको कैप्चर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर टाइम निकाल के आइएगा, ठीक है जी, आइएगा भी सर्दियों में, ठीक है, गर्मी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है आप ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं फिर। हैदर भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे लोगों को कोई सिक्के वगैरह, मैंने सुना है काफ़ी सोना वगैरह मिला है, तो क्या आप इस बारे में कहना चाहते हैं? सर जी, लोगों को जो यहाँ पे सोने का तो नहीं इतना है ना, मगर ये सिक्के वगैरह जो से वो मिले। कब मिले हैं ये लोगों को? जब ये ज्यादातर जब बरसात का महीना होता है ना, तो उसके अंदर पानी वगैरह का काफी फ्लड वगैरह आते हैं, तो फिर धुलते हैं तो नीचे से चीजें निकलती रहती है पुरानी जगह से, जिनके मेटल सिल्वर कॉपर परस जैसे ये चांदी के अंदर भी अवेलेबल थे। ठीक, अभी भी ये दो चार सालों में भी कुछ नजर आया लोगों को? अभी जो तो फिलहाल नहीं है, मगर ये कि जो पुरानी अगर इसकी खुदाई वगैरह की जाए, काफी ज्यादा पड़ी हूँ। अभी हम जाएंगे सीधा आपको वेल दिखाएंगे, जो हमारा एक सुहेल गेट भी दिखाएंगे आपको। हाँ। फिर इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट है जिसको वेल बॉबिस कहा जाता है, 139 की रेंज में। जबरदस्त, वो वेल पानी के लिए यूज होता था कि? जी जी, वो पानी का, पानी के लिए यूज होता था। पुराने जंग जब पोर्ट बंद हो जाता था, तो वहाँ जाहिर बात है लड़ाइयाँ जो सी है दो दो तीन तीन माह तक जारी रहती थी, तो वहाँ से पानी को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। अच्छा, ये जो है सुहेल अकबर गेट है, इसको सुहेल अकबर क्यों कहा गया है? इसको सुहेल गेट कहा जाता है क्योंकि ये साथ में अभी आपको मैं कब्र बताऊंगा जिनका नाम सैयद सुहेल बुखारी है, जो शेरशाह सूरी के जर्नल वगैरह भी थे, तो उनके नाम से ये गेट रखा गया सुहेल गेट। और बाद रवायत में ये भी आता है कि सुहेल जो है ये एक जारा या एक सियारा भी था जिसके नाम से इसको रखा गया। और आई थिंक ये एक गेट है जो सीधा अपनी सलामत असली हालत में, ये इनकी बालकोनियां भी जो है ना बड़ी अच्छी सलामत है। किला बना तो पत्थर का कलर असर ये था ओरिजिनल, ये तो बाद में जो आप ब्लैक देख रहे हैं ये बाद में हालात के मुताबिक इस तरह का हो गया। ठीक है। और ये जो सामने चेक पोस्ट पे, ये चेक पोस्ट ये सामने आप देख रहे हैं, ये सुराख वगैरह एरोज या तीर के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ पे भी वही फंक्शन है, पानी बिल्कुल का, ये सारे उसी तरह ही है। ठीक है। आपको मैं लेके जाऊंगा लास्ट पॉइंट के ऊपर जिसको बावलीज कहा जाता है, बावलीज मीन खू, जिसके अंदर आप सीढ़ियों के जरिए जा सकते हैं। ठीक है, अब उस साइड के ऊपर चलते हैं। चलें जी, उस तरफ चलते हैं। ये देखिए वेल काफी गहरा है, पत्थरों को काट कर ये बनाया गया था, और इसकी 139 सीढ़ियाँ जो कि वहाँ से जाती हैं। चले हम वो भी आपको दिखाते चले साथ साथ। ये देखिएगा इसकी सीढ़ियाँ जो कि 139 और जो वेल हमने आपको स्टार्ट में दिखाया ये सीधी वहाँ तक पहुँचती हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये काफ़ी गहरा है। ये किस लिए इस्तेमाल होता था जीर भाई? सर जी, इसलिए इस्तेमाल होता था कि जब दौरान जंग किला बंद हो जाता था, तो जार बात लड़ाइयाँ जो सी एक एक दो दो माह तक जारी रहती थी। ठीक है। इस फोर्ट में से पानी को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और ये सीढ़ियाँ जो नीचे जाने का जरिया, आप ये देखेंगे हर 10-20 सीढ़ी के बाद एक चौड़ी सीढ़ी आ रही है, चौड़ी सीढ़ी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, आदमी अगर थक जाए तो वापस स्टे कर सके। ठीक है। और ये आर्च पे बना हुआ, ये देखिए आर्च पे बना हुआ, ये आर्च इसलिए बनाया गया कि ताकि जमीन आपस में मिल ना सके। ठीक है। उनको ये इसकी चार थी, तीन बकाया और एक बीच में से टूट गई, है। और ये देखने वाली बड़ी अमेजिंग चीज है कि देखिए स्टोन पत्थर को किस तरह काट के बनाया गया। बड़ी बात है, गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ठंडक एहसास होगा, पता लगेगा इसी लगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको मामूली सा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा। ये देखिएगा, ये जैसे जैसे आप नीचे चलते जाते हैं आपको ठंडक का एहसास जो है ना होता जाता है। ये इसकी ओवरऑल तफसील थी जी किला रोहतास की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई। इंशाल्लाह कई और तारीखी मकामात नेक्स्ट आपको लेके चलेंगे। ठीक है जी। ये देखिए, ये पत्थर को काट के बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा आगे भी यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये सीढ़ी है, ये देखिए नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिएगा सामने, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इनकी कटाई देखें, जो इन्होंने की हुई है, कमाल की कटाई की हुई है पत्थरों की। ये देखिएगा क्या ही बात है, जबरदस्त। ठीक है जी। ठीक है, तब तक इजाज़त दीजिएगा अपने साथी को, वापस चलते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।